महेश जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट राइट आंख का, आप देख रहे हो कि लगभग 8.5 इंच ही आपका पेरिफेरल विजन बचा है। वही स्थिति लेफ्ट आंख में भी है। जैसे जैसे आपका ये पेरिफेरल विजन सुकड़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अभी क्या परेशानी होती है आपको ड्राइविंग वगैरह में? गाड़ी चलाने में दिक्कत आती, साइड में साइड से कुछ निकल जाता है तो पहचान नहीं आता है, है ना? स्पीड ब्रेकर वगैरह पे प्रॉब्लम आती, स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते, नहीं दिखता है, गड्ढे भी नहीं दिखते, गड्ढे भी नहीं, सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी प्रॉब्लम आती है, नीचे देख के चलना पड़ता है, नीचे देख के चलना पड़ता है। कई बार घर पे चलते हुए भी कोई पैरों की तरह नीचे कोई सामान रखा उसे टकरा जाते हैं, टकरा जाते। कितने सालों से हो रहा है ये? चार सालों। तो अब बाजार में जाने आने के लिए किसी का साथ चाहिए पड़ता है? नहीं, कभी कभार प्रॉब्लम आती है, भीड़ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वैसे नहीं, जानी पहचानी जगह पे आप घूम लेते हैं, चलता हो। ठीक, चलिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानी आ रही है वो ठीक हो और आप नॉर्मल जिंदगी जो आप जी रहे थे 4 साल पहले फिर जीना शुरू कर। ये परेशानी आने से क्या हुआ आपकी जिंदगी में? प्रॉब्लम आने लगी, डिप्रेशन बढ़ने लगा, काम करने में प्रॉब्लम आने लगी। काम करने में क्या प्रॉब्लम आती है? काम करने में सामान ठीक से दिखता नहीं, फिर आने जाने में प्रॉब्लम होता है काम को। तो इसके कारण काम छोड़ना पड़ा? काम छोड़ना पड़ा। कब से? 3-4 साल हो गए। 4 सालों से आपको नौकरी छोड़ना पड़ी, छोड़ना, और आप घर बैठे हुए हैं सिर्फ इस बीमारी, है ना? और क्या कहा आपको पुणे के डॉक्टर्स ने? कहा कि इसकी अभी सर्च कर रहे, दवा नहीं है, इसकी इलाज नहीं है कुछ। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो जिंदगी में रोशनी आए। महेश जी, आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है। आपका जो पेरिफेरल विजन था वो लगभग 4 इंच बड़ा है दोनों आंखों में। ठीक, ये 4 इंच बढ़ने से आपकी जिंदगी में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी चलने फिर कॉन्फिडेंसली एकदम चल फिर सकता हूँ। कॉन्फिडेंसली चल फिर रहे, टकराने का डर आपको क्या हुआ? नहीं नहीं, इतना नहीं रहा, पहले लगता था, पहले लगता था किसी से टकरा जाऊंगा, अभी नहीं लग रहा, अब नहीं लगता है। ये बहुत सारी बधाई हो, सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी कॉन्फिडेंस आया? हाँ बिल्कुल। और एक अनजाने शहर में आप घूम रहे हैं जहाँ पे आप किसी को पहचानते नहीं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दीपावली का त्योहार है, ये आते जाते समय बाजार में आप किसी से टकराए तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं टकराए। नहीं, वो डर भी नहीं रहा आपको मन में कि मैं किसी से टकरा जाऊंगा, नई जगह पे हूँ? नहीं रहा, नहीं रहा। चलिए, बहुत सारी बधाई हो आपको। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।